वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल तलावा। इसके लिए मैंने कटहल के पीसेस को ऐसे काट लिया है। इसके ऊपर का हार्ड पोर्शन और नीचे का हार्ड पोर्शन हटा दिया और ऐसे पीस रखे हैं। इसको मैंने नमक और हल्दी के पानी में उबाला है। देखिए इतना उबाला है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, नहीं तो बिल्कुल ही क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस इतना गलाना है कि ये ऐसे गला हुआ। इसको 10 मिनट उबालना है। कटहल ऐसा रहता है कि ये गला हुआ पूरा है भी और जुड़ा हुआ भी है। आप इसके लिए मैंने इतने 3 बड़े चम्मच ये बेसन लिया। बेसन को 5 मिनट तक तवे पे हल्की आंच पे भूना है, बहुत तेज आंच पर नहीं, बस हमें इसकी कचान चली जाए। इधर मैंने 1.5 टीस्पून चावल का आटा, 1.5 नींबू, छोटे छोटे हैं इसलिए 1.5, बड़ा हो तो 1 ही, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि हमने उबलते में भी सॉल्ट डाला था इसलिए हिसाब से डालें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इन सब चीज, और 2 टीस्पून अदरक लहसुन, छोटे 2 टीस्पून, इन सबको हम इसमें डालकर सब और बैटर सा बना लेंगे। सब चीज़ें डालकर देखिए ये हमने बैटर बना दिया, चावल के आटा, बेसन और सारे मसालों को। अब हम इसमें ये जो कटहल है ये सब इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो ऐसे एक एक डालकर और इसे फ्राई करने, यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, इसे फ्राई करना है। पाँच से 8 मिनट में एक तरफ से सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से हम सेकेंगे। 5 से 8 मिनट एक तरफ से सिकने के बाद हमने इसको पलट दिया। ये देखो ऐसे सुनहरे सिकेंगे। ये हमारी तैयार कटहल तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।